सिंह गोगा मेडी की पत्नी हैं, जो कि अभी घटनास्थल पर आई हैं और यहां पर जो पुलिस ने मौका तस्दीक इनसे कराया, पूछताछ की जानकारी ली है। ये अब जो है दोबारा अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। ये परिजनों के साथ यहां पहुंचे थे और ये वो गली है और इसके साथ साथ में जो आज जो घटनाक्रम हुआ, ये जो है काफ़ी चौंकाने वाला घटनाक्रम था। दिन दहाड़े गोलीबारी हुई और उसके बाद में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जो कि राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको गोली मारी गई। उनके साथ साथ में जो बदमाश आए थे, उसमें जो नवीन शेखावत था, जो बदमाशों के साथ आया था, जो कि ये बदमाश थे, वो उस नवीन शेखावत के साथ में आए थे अंदर, ताकि जो है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है उनसे मुलाकात कराएं। तो ये जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में जो पुलिस है वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आधुनिक तरीके से, आधुनिक मशीनों के द्वारा ये जांच की जा रही है। सर्विलांस भी लिए गए हैं कई फ़ोन, और उसके तहत जो आरोपी हैं उन तक पकड़ने की जो पुलिस की जो कवायद है, जल्द ही पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष, जयपुर।